Hilal Khan Afridi and the family members, His Excellency the High Commissioner and Deputy High Commissioner of Malaysia, my MPAs sitting here, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It's indeed a matter of pride for Pakistan that Pakistan is increasing its productions in the automotive sector, has gone into a good alliance with our brotherly country of Malaysia in producing the Proton Saga as a first step, adding to, in the future, the SUVs and other manufacturing possibilities from Malaysia. This is the result of good policy. This is the result of the, which my friend Haji Gul Khan Afridi, we are parliamentarians together for a number of years, and that is where I've had the pleasure of knowing him as a dear friend of mine. It is a result of good automotive policies developed while he was the chairman also, and while he was contributing to development of a primary policy which encourages investment in Pakistan, which encourages other companies to come and start manufacturing in Pakistan, and in the future the Pakistan should be able to develop its own standards and its own indigenous technology. That's what Malaysia did, and that's what Pakistan is doing today. I have always been impressed by the ex-Prime Minister of Malaysia, and when he came last time, I and Mr. Imran Khan, the Prime Minister, he asked him separately, and I asked him, how do you keep track of things? He said that he keeps a notebook on which he takes down entries and then follow-ups the situation every week. That is how you improve your own branding. So ladies and gentlemen, while I congratulate this group for doing a tremendous job, I would also like to share with you what is the dream and hope of Pakistan. Pakistan kya chahta hai, khwab mein kya dekhta hai. Dekhen, hum jin adwar se bhi guzre, humare liye maashrati aur maishat ke hawale se, aur dehshatgardi jo humare upar impose ki gayi, aur barabar ke mulk ke andar jis tarah se jango jadal chalta raha, aur 40 साल वो अपनी आज़ादी के लिए कोशां रहे, तो उसके असरात पाकिस्तान पर मुरत्तब हुए। मगर अब अल्लाह ताला ने एक उम्मीद हमारे लिए हमारी दिलाई है कि वहाँ इंशाअल्लाह अमन होगा। उस अमन के साथ साथ आप जो चीज़ जहन में रखिए कि ये अमन के बहुत सारे फल होते हैं, उन फलों के अंदर ये भी कैफियत है कि आप जियो इकोनॉमिक हब बन रहे हैं इस रीजन का। और कैसे बन रहे हैं? इस तरह से बन रहे हैं कि अफगानिस्तान बजाते खुद बे इंतहा डेवलपमेंट का मोहताज है, क्योंकि वहाँ खरबों डॉलर, कहते हैं 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान में खर्च हुए, मगर नज़र कताल के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं आया। तो अफगानिस्तान को रीबिल्डिंग की ज़रूरत है, अफगानिस्तान को सप्लाईज की ज़रूरत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट तो बाद में बनेगा, पहले इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ इस्तेहकाम हो। दुनिया देख रही है उनकी तरफ ख्वातीन की तालीम के हवाले से भी, और ये कि वो एक यकजहती वाली हुकूमत तैयार करें, मगर उससे ऊपर सेंट्रल एशियन स्टेट्स उस रास्ते को भी देख रहे हैं जो अफगानिस्तान के ज़रिए ग्वादर की तरफ आता है। वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा रास्ता है, लिहाजा इतना बड़ा ट्रेड का मामला खुल रहा है। और मुझसे दुबई में, मैं था अभी, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि दुबई जाएँ तो ज़रूर पाकिस्तान पवेलियन देखें। 192 ममालिक में मुझे लगता ऐसा है कि पाकिस्तान का पवेलियन टॉप फ्यू पवेलियंस में है। मगर वहाँ एक टेलीविज़न के नुमाइंदे ने ये बात पूछी कि क्या ग्वादर जो है वो जबले अली से कम्पीट करेगा, तो मैंने उनसे कहा नहीं, ग्वादर जो है वो सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के रास्ते से जो गुड्स इस तरफ नहीं आती थी वो आएंगी। तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दुनिया में तिजारत बढ़ती है तो अमन बढ़ता है, तिजारत अफगानिस्तान के साथ दुनिया की बढ़ेगी तो अमन का इम्कान बढ़ जाएगा। ये जो मुसलमान ममालिक में कोऑपरेशन है ये हमें मुस्तहकम करता है, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात से बहुत सी हायर टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए आसानी से खुलती नहीं हैं, बल्कि जो हम खुद रिसर्च करते हैं हमसे कहा जाता है कि तुमने ये टेक्नोलॉजी गसब की है या कहीं से लेकर आ गए,
वो एक्सचेंज करें आपस में, उसमें कोई हर्ज नहीं। हमने अपना न्यूक्लियर डिटेरेंट बनाया तो हमसे कहा गया कि तुमने ये टेक्नोलॉजी कहीं से चुरा कर लाए हो, विच इज़ अनट्रू। इल्म जो है वो चुराया नहीं जाता, इल्म जो है वो इंसान को एक मर्तबा कोई कदम उठा लेता है, जैसे प्रोटॉन सागा के अंदर एक मर्तबा कदम उठा लिया तो फिर यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स भी उस एतबार से चलेंगे। मगर मेरा आपसे कहना ये है, हाजी साहब आपसे, आपकी औलाद से भी और जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, उन सब से कहना ये है कि अब पाकिस्तान को करना क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा बड़ा नौजवान बल्ज है जिसको यूथ बल्ज कहते हैं, उनके स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर उनको उनकी महारत को बेहतर करके उनके अच्छे एम्प्लॉयमेंट देना है, और दूसरे ये कि उसके एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये जो कैफियत पैदा हो रही है कि दुनिया को ज़रूरत है आईटी के अंदर भी, इस गाड़ी के अंदर भी आईटी कंपोनेंट बहुत बड़ा है, तो दुनिया को इस बात की भी ज़रूरत पैदा हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है। मगर एक चीज़ जहन में रखिए, जो मेरे दिल से निकलती है बात वो ये निकलती है कि पाकिस्तान को पिछले 15-20 साल में मुख्तलिफ बहानों से बदनाम किया गया है, माफ़ कीजिए, मुख्तलिफ बहानों से बदनाम किया गया है, तो लिहाजा हमें इस बात की ज़रूरत है कि असल पाकिस्तान दुनिया को नज़र आए। अच्छा, असल पाकिस्तान है क्या? असल पाकिस्तान, हाजी साहब, असल पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांडिंग है, और वो ब्रांडिंग जिसको दुनिया को ज़रूरत है, वो ब्रांडिंग एक मुसलमान मुल्क के एतबार से, मलेशिया की तरह एक मुसलमान मुल्क के एतबार से, वो दयानतदारी की बुनियाद पर ब्रांडिंग होनी चाहिए। लोगों को ये पता हो कि प्रोटॉन सागा के अंदर जो इन्होंने वादा किया ये पूरा करेंगे, दे विल बेंड ओवर बैकवर्ड्स के उसको पूरा करेंगे। दुनिया में नई मार्केटिंग तो ऐसी है कि एक आदमी ये कॉल करके कहे ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो बजाय इसके कि उस आदमी को मुल्ज़िम ठहराया जाए कि तुमने ख़राबी की पैदा की होगी, मार्केटिंग कंपनीज आगे बढ़कर कहती हैं कि नहीं, हम तुम्हारा मसला हल करेंगे। तो एक ब्रांडिंग, जब चीज़ें आप बाहर भेजेंगे इंशाल्लाह और आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक ब्रांडिंग ये होना चाहिए कि जो कहा आपकी ज़बान कागज़ से ज़्यादा पुख्ता है। ये ब्रांडिंग दुनिया के अंदर अगर आपने मुसलमान आइडेंटिटी के एतबार से इस्टेब्लिश कर ली तो दुनिया को इस बात की ज़रूरत है। तो ये तो बिज़नेस साइड पर हुआ, मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ब्रांडिंग की इस बात की ज़रूरत है कि मुसलमान मुमालिक भी दुनिया को अकदार और अखलाकियात की पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में दें। इस वक्त अकदार और अखलाकियात की पॉलिसियाँ नहीं हैं, इस वक्त वेस्टेड इंटरेस्ट की पॉलिसी है। किसके साथ ज़्यादा तजारत है उस मुल्क को, उस मुल्क की ज़ालिमाना कैफियत को इग्नोर किया जाता है, जैसे कश्मीर के अंदर हो रहा है, क्योंकि बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हिंदुस्तान है, तो लिहाजा उसको छूट दी जाती है, उसको ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होता। दुनिया के ताल्लुकात वेस्टेड इंटरेस्ट पर की बुनियाद पर हैं, मगर इंसानियत तो वेस्टेड इंटरेस्ट था नहीं ना। इस्लाम तो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं करता, इस्लाम बात करता है अकदार की, अखलाक की, इस्लाम बात करता है उसूलों की। तो दुनिया को इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में भी उसूलों की क़यादत की ज़रूरत है। तो जहां मैं ब्रांड पाकिस्तान की आपसे बात कर रहा था, जिसके अब आप चैम्पियन बनेंगे और बन गए हैं इंशाल्लाह, तो एक तो ब्रांड पाकिस्तान के एतबार से, और पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, और पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के एतबार से अपने आप को साबित कर चुका है। और सबसे अच्छा अंदाज़ पिछला हुआ कि आपने कोविड के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये दुनिया को दिखा दिया कि सही पॉलिसी बनाना कितना ज़रूरी है। बराबर के मुल्क के अंदर वैसे ही नस्ल है, वैसे ही आबोहवा है, मगर कोविड के अंदर जो लाखों में अमवात हुई और पाकिस्तान के अंदर जो आपने काबू पाया, उनके अंदर आपका अपना डिसिप्लिन है। दुनिया बगावत करती रही कि मास्क मत पहनो, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट किया, 100% तो कहीं भी नहीं अडॉप्ट करते ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी 100% लोगों ने वहाँ इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर इतनी बड़ी तादाद में और ऐसे जफाकश लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि दुनिया का नक्शा उन्होंने बदल दिया। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर कोविड के अंदर 4-5 चीज़ें हैं जो हमेशा पाकिस्तान का दुनिया को दिखाने के लिए भी और अपनी हकीकत के एतबार से अपने आप को बिल्ड करने के लिए भी ज़रूरी है। एक कंपैशनेट ग्राउंड के एहसास के ज़रिए 1.2 कई ट्रिलियन डॉलर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, कि वो एहसास प्रोग्राम में, बेनिफिट्स में, बिजनेस सेक्टर के अंदर, कि किसी को बेरोज़गार मत करो,
ये पहली पॉलिसी थी, पहला प्राइम मिनिस्टर था दुनिया के अंदर जिसने कहा जी टोटल लॉकडाउन हम नहीं करेंगे। यहाँ के डॉक्टर कहते थे कि सड़कों पर लोग मर जाएंगे अगर टोटल लॉकडाउन नहीं किया, मगर किया। तो अल्लाह को इस कुछ बातें ऐसी ही पसंद आती हैं जिसके अंदर इंसानी हमदर्दी शामिल हो। और उसके अंदर मैं कल, मुझे एक वाकया याद आया, यहाँ फिर सुना दूँ कि अबू बिन अधम का नाम आपने सुना होगा। तो अबू बिन अधम एक दिन रात को उन्होंने देखा कि फरिश्ता जो है लोगों के नाम लिख रहा है। तो उन्होंने पूछा कि किन के नाम लिख रहे हो? तो फरिश्ते ने कहा मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम है? फरिश्ते ने कहा नहीं है। तो अबू बिन अधम ने कहा कि अल्लाह ताला से बात पहुँचा देना, और वैसे भी जैसे ही मैं कहूँगा पहुँच जाएगी, कि एक बंदा ऐसा है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। तो दूसरे दिन जब फरिश्ता फेरिस्त बना रहा था तो फरिश्ते ने मुबारकबाद दी कि यही खूबी अल्लाह इंसानों में तलाश करता है जो बंदों से, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। तो आपने कोविड के अंदर ये कैफियत दिखाई कि आप बंदों से भी मोहब्बत करते हैं, और एक साइंटिफिक अंदाज से दुनिया को आपने दिखाया कि आपने इस चीज़ पर काबू पाया। लिहाजा मेरी उम्मीद है इसी बात से, लिहाजा मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। लिहाजा मेरी उम्मीद है कि जब उसूलों की बुनियाद पर हम काम करेंगे अल्लाह को वो पसंद आएगी। लिहाजा मेरी उम्मीद है कि जब इंसानों के बलबूते पर, इंसानों की फ़िक्र हम करेंगे अपने कारोबारों के कारोबार के साथ साथ, तो मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला का रहम हमारे ऊपर होगा, और हम एक बड़े छोटे अरसे में, मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों के अंदर शामिल हो जाएगा। मैं इन बातों के साथ आपको मुबारकबाद देते हुए, यहाँ आपके डीलर्स भी बैठे होंगे, बैंक्स भी बैठे हैं जिन्होंने आपके साथ तआवुन किया है, पाकिस्तान खुल रहा है, पाकिस्तान बढ़ रहा है, पाकिस्तान उभर रहा है, मगर उसके अंदर हमारी मेहनतें का इस माना करके कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, तालीम दें, सेहत का ख्याल रखें, सब चीज़ें, पाकिस्तानी बड़ा मुखय्यर आदमी है, पाकिस्तानी खैरात भी करता है, जहां हुकूमत को किसी चीज़ को ढीली पड़ जाती है तो आम आदमी निकल जाता है खैरात करने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए। तो इससे अच्छी मिसाल दुनिया में शायद ही मिलेगी जिसने अपने दिलों को खोला अफगान महाजरीन के लिए। 40 लाख, ये 100-100, 200-200 को डूबने देते हैं समंदर के अंदर, अपने अपनाते नहीं हैं। तो एक मजबूत कौम हैं आप, और उसके आसार अब नुमाया होते जा रहे हैं। तो आप सबको मुबारक हो, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तरक्की भी देगा और आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। आमीन।